हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JNC। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक कंडक्टिंग लूप है ना। ये एक कंडक्टिंग लूप है सर्कुलर, इसके सेंटर पे है ना, इसके सेंटर से सर्कमफेरेंस पर एक रॉड रखी है, जो कि कंडक्टिंग है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, और उसकी लेंथ इस लूप की रेडियस के बराबर है, दैट इज स्मॉल a। फ्रेंड्स, इस है ना, इस रॉड को लूप के है ना सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जाता है, और फ्रेंड्स, इसका जो एंड है ना, जो सेंटर पर इस रॉड का जो सेंटर पर है ना, लूप के सेंटर पर जो एंड है वो कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के थ्रू लूप से, तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक क्लोज्ड सर्किट बन रहा है, है ना। और ये जो रॉड है ये रोटेट कर रही है, सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पूरे लूप पर, ये जो लूप है ये फ्रिक्शनलेस है और कंडक्टिंग है, और इसका रेजिस्टेंस जीरो है। और फ्रेंड्स, ये जो रॉड रोटेट कर रही है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है जो कि बी है, तो फ्रेंड्स, हमसे बोला गया है इफ़ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड सो दैट इट रोटेट्स विद कॉन्स्टेंट ओमेगा, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे डिस्कशन पर। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मोशनल ईएमएफ है ना, के कॉन्सेप्ट को बेस बना के बनाया गया है, तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर मैं एक रॉड को है ना, उसके किसी एक है ना एंड को सेंटर बना करके, उसको रोटेट करा दूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना, इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसकी वैल्यू होती है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। एल क्या है, लेंथ है रॉड की, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको मोशनल ईएमएफ ही बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये रॉड है ना, इस सेंटर के अलॉन्ग जब घूमेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लोज सर्किट में, रोटेट कर रही है और इसका अपना रेजिस्टेंस भी है, तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगी और इसमें एक करंट फ्लो करेगी। जब फ्रेंड्स करंट फ्लो करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगता है। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, वो फोर्स जो है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना, तो उस जो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसी एक्सटर्नल फोर्स की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि मोशनल ईएमएफ, यानी कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है बता दिया मैंने, और उसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कितनी है ए, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू,
ए स्क्वायर बाई टू। अब क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट में है, क्लोज्ड सर्किट में है ना, तो ये मान लो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, और ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है ना, इस रॉड का रेजिस्टेंस, और ये कैपिटल आर जो बाहर लोड लगाया गया है उसका रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड करंट इसमें कितनी होगी, ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये हो गई इंड्यूस्ड करंट। अब इसमें करंट इंड्यूस हो गई, करंट इंड्यूस हो गई, और वो फ्लो कैसे करेगी, तो फ्रेंड्स करंट कैसे फ्लो करेगी वो इस पर डिपेंड करता है, करंट कैसे डिपेंड करती है वो इस पर फ्लो, वो इस पर डिपेंड करता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसकी पोलैरिटी कैसी है, उसकी पोलैरिटी कैसी है। तो ये कैसे चेक करें फ्रेंड्स, इसको चेक करने का तरीका होता है, मान लीजिए ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पर आप देखो, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इस पार्ट की आप वेलोसिटी देखो, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ईएमएफ कैसा इसमें होगा, है ना, ईएमएफ कैसा इसमें होगा उसको आप चेक करोगे राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। तो फिंगर आप पॉइंट करोगे फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब है ना, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो पाम जो है वो आपको बताएगा टर्मिनल, है ना, पाम आपको बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल, पाम आपको बताएगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो बनेगा वो इधर साइड बनेगा, है ना, सेंटर की तरफ बनेगा, और निगेटिव टर्मिनल यहाँ की तरफ। अब इसको एक बैटरी की तरह देखो, तो बैटरी के बाहर करंट कहाँ बहेगी, प्लस से माइनस, कुछ यहाँ यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरह से करंट फ्लो हो रही होगी। फिर यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे, तो ये हमें फाइनली करंट की डायरेक्शन मिल गई। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट कर दी, है ना, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डिनोट कर दी। अब देखो फ्रेंड्स इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, कैसे फ्लेंट हो, इसको ओ बोल दो, सेंटर को ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, तो ए से ओ की तरफ करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसकी डायरेक्शन भी हम राइट हैंड पाम रूल से चेक करेंगे, राइट हैंड पाम रूल से चेक करेंगे। तो क्या करो, फिंगर्स को पॉइंट करो, फिंगर्स को पॉइंट करो फील्ड के डायरेक्शन में, है ना, और करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करो थंब को, करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करो थंब को, थंब को करंट के डायरेक्शन में। तो पाम हमें बताएगा, है ना, पाम हमें बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर कैसी आएगी, यहाँ पर कैसी आएगी, यहाँ पर डाउनवर्ड आएगी, है ना, यहाँ पर डाउनवर्ड आएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमें इसके इसको अपोज करने के लिए एक दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, जिससे कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सके, जिससे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर सके। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो डायरेक्शन तो हमने पता कर ली, डायरेक्शन तो हमने पता कर ली कि नीचे की तरफ है, अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फोर्स जो करंट कैरिंग वायर पे लगता है उसका मैग्नीट्यूड होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अब एल कैसा है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में होगा, और बी कैसा है, इनवर्ड है, बी कैसा है, इनवर्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है ना, दोनों के बीच का एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री का। तो ये क्या होगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री, एल और बी, बी के बीच का एंगल कितना है, साइन 90। तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, आई बी एल, एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए है,
ये हो गया आई बी ए। ऑल राइट, अब ओमेगा कांस्टेंट कब होगा? ओमेगा कांस्टेंट तब होगा जब अल्फा ज़ीरो हो। अल्फा क्या है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो। और एंगुलर एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगा? जब नेट टॉर्क ज़ीरो हो, जब नेट टॉर्क ज़ीरो हो। और नेट टॉर्क कब ज़ीरो होगा? नेट टॉर्क कब ज़ीरो होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टॉर्क की बात क्यों कर रहे हैं? टॉर्क की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोटेशन की बात है, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात है, इसीलिए हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम टॉर्क की बात कर रहे हैं। जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, वो एक रोटेशनल फोर्स है ना, वो एक रोटेशनल फोर्स है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि मतलब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोटेशनल मोशन में है, इसीलिए हमें टॉर्क की बात करनी पड़ेगी। तो नेट टॉर्क जब ज़ीरो होगा तब अल्फा ज़ीरो होगा। नेट टॉर्क ज़ीरो कब होगा? जब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसकी वजह से टॉर्क, और जब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क ज़ीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क ज़ीरो हो। तो Fm है ना, Fm इंटू, फ्रेंड्स जो मैग्नेटिक फोर्स है, हम ऐसा मान रहे हैं कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस मास है, तो हम मानते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स एक्ट कर रहा है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रॉड का L बाई टू पर, है ना, L बाई टू पर, दैट इज़ A बाई टू। तो Fm इंटू A बाई टू, फोर्स इंटू टॉर्क क्या होता है फ्रेंड्स? एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है। सॉरी, हाँ, थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? एफ एम, है ना, एफ एम फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ए बाई टू। तो एफ एम इंटू ए बाई टू हैज टू बी इक्वल टू, अब इस जहाँ पर यह फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास, वहीं पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका टॉर्क कितना बड़ा होगा? एफ इंटू ए बाई टू। तो ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो गया, तो एफ इज इक्वल टू एफ एम इक्वल टू आई बी ए। अब I की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? B ओमेगा A स्क्वायर बाई टू कैपिटल R प्लस स्मॉल R, तो कितना हो गया? B स्क्वायर ओमेगा A क्यूब, है ना, यहाँ पर A स्क्वायर था तो A क्यूब हो गया, डिवाइड बाई टू कैपिटल R प्लस स्मॉल R। I की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी और हमें मिल गया फोर्स। अब ये फोर्स जो है A बाई टू डिस्टेंस पर जब तक अप्लाई रहेगा, है ना, जब तक अप्लाई रहेगा तब तक जो है रॉड जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी। तो यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।